साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ इस नए वीडियो में। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है मंत्रालय ने दोबारा से नई लिस्ट को जारी किया है। जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं उनका जो है नए से डाटा तैयार करके उनकी जो है नई लिस्ट को जारी किया गया है। अगर अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड को नहीं बनवाया है, किन्हीं कारण बस आपका रुक गया था, तो दोस्तों आपको आज पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप जो है अपने घर बैठे किस तरह से मोबाइल फोन या कंप्यूटर से आप उसको चेक कर सकते हैं नई लिस्ट को, उसमें आपका नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम है तो दोस्तों उसको आयुष्मान कार्ड को कैसे बनवाना है। आप जो है इस योजना के तहत एक साल में 5 लाख रुपए तक का जो है इस लाभ ले सकते हैं। तो जानकारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों जानकारी को शुरू करते हैं। इस योजना के तहत आपको जो है इसका लिस्ट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट जो है खुलकर कुछ इस तरह से शो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है। यह नया पोर्टल जो है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद में इस मोबाइल नंबर पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक जो है ओटीपी सेंड हो जाता है। तो यहाँ पर ओटीपी जैसे ही आपके फ़ोन में आता है तो यहाँ पर आप ओटीपी को डालेंगे। नीचे जो आपका कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे तो आपके फ़ोन पे जो है दोस्तों ओटीपी आ जाता है। ओटीपी यहाँ दर्ज कर लेंगे, नीचे कैप्चा है उसको जो है यहाँ पर फिल कर लेंगे। जानकारी दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैप्चा शो हो रहा है, या इस कैप्चा को भर लेते हैं। इसके बाद इनको जो है लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन यहाँ पर आपका ओटीपी के जरिए यहाँ पर मोबाइल से हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद में आपके सामने पूरा आपका जो है यहाँ पर स्टेट का डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट के बाद में आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो स्टेट शो हो रहे हैं अपना, जो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो आप यहाँ पे स्टेट जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे या ULB जो भी है आपका है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर आपका कौन सा ब्लॉक है जो भी ब्लॉक है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं रूरल एरिया का देख रहा हूँ तो यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना ग्राम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी गांव है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आपका पूरा यहाँ पर डिटेल आपका जो है PDF के रूप में यहाँ पर सामने आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे नीचे देखेंगे डाउनलोड ऑप्शन के नीचे यहाँ पर PDF का साइन आ रहा है। तो इस PDF पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके सामने जो है डाउनलोड हो जाती है। इस फाइल को ओपन करके आप अपने पूरे गाँव का जो है डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनका जो है नाम, पिता का नाम, माता का नाम जो है पूरी डिटेल यहाँ पर आपको जो है उसका जो है यूनिक ID नंबर जो भी होता है यहाँ पर वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ID नंबर या इस लिस्ट को ले जाकर आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर यहाँ से जो है अपना ID कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने बनवा लिया है उनका जो है SY लिख के आ रहा है, जिन्होंने नहीं बनवाया उनका जो है नो लिख के आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने किन्हीं कारणवश आयुष्मान कार्ड को नहीं बनवाया है और इस लिस्ट में आपका नाम है तो इस लिस्ट को ले जाकर आप जो है ये अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो साथियों कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।